वो तो बहुत जमीन है वो शासकीय जमीन, और भी लोगों ने बहुत इंटरेस्ट। सर सर आ जाइए। नाना जी ठीक आप इधर आप ना। संचालित है वो महाविद्यालय के लिए सफिशेंट जमीन नहीं होने के कारण इन लोगों ने जमीन के बारे में यहाँ पे जानकारी लेने आए हैं। पूर्व में यहाँ पे हाई स्कूल के लिए हम लोगों ने जो जमीन हम लोगों ने गवर्नमेंट को दी है उस जमीन का आज इन्होंने इन्फेक्शन किया है। इन्होंने हमारे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष है, हमारे संजय मंडलोई जी आए हैं हमारे साथ में, रामचंद्र पाटिल जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी, और भी हमारे मंडल अध्यक्ष सभी आए, वो देख रहे जमीन और शासन को भेज देंगे। शासन जो निर्णय लेगा वो शासन के उसमें है, बाकी तो जो सिचुएशन जो है वो देख ली उन्होंने और परिसीमन करने का बता रहे हैं, नायब जिला परिसीमन भी करवा लेंगे। तो जमीन अपने पुराने ही अपने इनको दी है, तो शासन बना है, बच्चे पढ़े हैं यहाँ पर, ग्रामीण अंचल का क्षेत्र ही बसा हुआ है, ग्रामीण अंचल के बच्चे एजुकेशन के लिए बहुत परेशानी आती है उनको, बड़े पूंजीपति लोग और बड़े अधिकारी को लोग तो बच्चे अपने बाहर पढ़ाते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग और जो गरीब लोगों के बच्चे बाहर पढ़ने में बहुत असुविधा होती है। तो अगर महाविद्यालय यहाँ पे होता है तो उनको सफिशेंट है, और 20 सेंटर केंद्र बिंदु उन्होंने जो मैप बताया है तो सब जैसे बढ़िया पानी है, पेंडारनिया है, खुटवाड़ी है, होल है, खारिया बाखरली है, वरला है, सेली है, चिकली है, इधर अब घेगाँव है, उमट्टी, राजंगा, सब ये तीन तीन चार चार पाँच पाँच किलोमीटर में फैला हुआ है, और इनको बच्चों को आने जाने के लिए बहुत सुविधा है। टायर रोड बने हुए हैं, सब पुल पुलिया बनी हुई है, तो कोई मतलब यहाँ पर परेशानी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आए, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिचुएशन देख रहे हैं।